So hello students, this is your lecture number 4 of Democratic Politics, chapter number 1, Why Democracy and What is Democracy. देखिए ये इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे Why Democracy, ठीक है, What is the importance of democracy. The second point will be arguments that what are the negative points of the democracy. Then we will understand democracy as a broad term, and the last will be the difference between democracy and dictatorship. So let's start our lecture. So the here on the slide you can see that why do we need democracy? Okay, argument in support of the democracy. So we are talking about democracy as a plus point, not as a negative point. Okay, हम positive points बता रहे हैं democracy की कि हमें democracy क्यों चाहिए. It is the most accountable form of government. What is accountable means most responsible, kind of government where where person can easily ask government about their decisions, and जो लोगों को भी बताया जाता है कि आपके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं और सरकार यहाँ पे लोगों के लिए काम करती है. That is why it is more accountable form of government. The second point is it improves the quality of decision making. सीधी बात है, जब लोगों के लिए काम हो रहा है तो क्वालिटी जो डिसीजन है वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि लोग अपने लिए काम नहीं कर रहे, अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे. जैसे मोनार्की में हमने देखा, डिक्टेटरशिप में देखा, अपने लीडरशिप के लिए लोग काम करते हैं. लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, जो भी प्रजा है उसके लिए जो लीडर है वो काम कर रहे हैं. ओके, नाउ इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस इन कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जांपल, इन इंडिया वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स. तो यहाँ पे अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, लेकिन तब भी सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, एक सेक्युलर कंट्री बन रही है. तो वो सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अलावा और कहीं पे भी ये पॉसिबल नहीं है. माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी भी यहाँ पे सस्टेन कर सकती है डेमोक्रेसी में, लेकिन कहीं और किसी भी रूल में, चाहे मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, एनीथिंग, इट इज नॉट पॉसिबल. इट अलाउ अस टू करेक्ट आर ओन मिस्टेक. इट्स नहीं है, यहाँ पे आर आएगा, ठीक है, ओ यू आर आर. इट अलाउ अस टू करेक्ट आर ओन मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल, सरकार अगर बन गई है तो वो खुद के मिस्टेक से सीख सकती हैं, और लोगों को भी पता हो सकता है कि चलो सरकार से ये गलती हुई है, और वो आवाज़ भी उठा सकते हैं. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर हम दूसरी सरकार की बात करें, देखो डेमोक्रेसी में या फिर हर चीज़ में वाइसेज एंड वर्च्यूज होते हैं. हर किसी भी चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. ईच कॉइन हैव टू साइड्स, है ना. तो हमें पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा, डेमोक्रेसी में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और साथ में नेगेटिव पॉइंट भी है. लेकिन क्या है कि जो डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक अच्छी है. दैट इज़ वाई वी आर फॉलोइंग डेमोक्रेसी. इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वन ऑफ की बात नहीं, सरकार अगर बन रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सरकार है, गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी है. दैट इज़ वाई वी नीड डेमोक्रेसी. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. नाउ लेट्स डिस्कस आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, लीडर्स कीप चेंजिंग. हर 5 साल में लीडर चेंज हो रहे हैं, तो किसी ने कुछ और पॉलिसी बनाई, किसी ने कुछ और. तो इसमें लोग भी कन्फ्यूज होते हैं और सरकार भी कन्फ्यूज. और इन ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड प्ले, मीन्स पावर की बात होती है. हर किसी को कोई अच्छी सीट पे जाना है, अच्छे पोजीशन पे जाना है, तो लोग यहाँ पे वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं लेकिन इतना काम नहीं कर पाते जितना वो बोलते हैं. मैनी पीपल हैव टू कंसल्ट इन डेमोक्रेसी, दैट लीड्स टू डिले. ओके, डिले का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको कहा हर 5 साल में सरकार बदल रही है, तो कुछ काम ऐसे ही लटक जाते हैं. कुछ सरकार, पिछली सरकार ने काम कराया था, लेकिन अगर उसकी अपोजिशन पार्टी आ जाती है पावर में, तो वो फिर उस सोचती है कि यार उस सरकार ने कराया तो वो उस काम को हटा दिया जाता है या फिर उसको डिले कर दिया जाता है. तो ये पावर और कॉम्पिटिशन की वजह से काफ़ी बार डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट आती है वो काम डिले करती रहती है. एक और 3 पॉइंट्स एक आर्ग्यूमेंट्स में, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, सो इट लीड्स टू द बैड डिसीजन. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि जो लीडर सेलेक्ट हो गए, लेकिन बड़ी कंट्री है तो वो सब लोगों के लिए काम नहीं कर पाएंगे, सीधी बात. और उनको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, ग्राउंड लेवल की हकीकत क्या है, वो उनको पता नहीं है, वो सिर्फ अपना रूल करते हैं पावर पे. इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटिशन, सो इट लीड्स टू करप्शन. अब
हर 5 साल में लोग चेंज होंगे, सरकार को पता है 5 साल में हम आए या ना आए, तो इस चक्कर में क्या होता है, हर कोई अपनी जेब भरने में लग जाता है. दैट इज़ वाई इट लीड्स टू द करप्शन. ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो वॉट इज गुड फॉर देम, सो दे आर अनेबल टू डिसाइड वॉट इज गुड और बैड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज भी बात करूँ कि आपको सरकार चुननी है या फिर इलेक्शन में वोट किसको डालेंगे, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, किसी का ओपिनियन या किसी का एडवाइस लेकर वोट डाल देते हैं. उनको ये पता नहीं होता है कि सामने वाला लीडर कौन है, किसको वो खड़ा कर रहे हैं, किसके लिए वोट दे रहे हैं. तो मोस्ट आज भी तारीख में एजुकेटेड लोगों को भी पता नहीं है. सो ऑर्डिनरी पीपल इसमें ना ही ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, ना ही कोई इंटरेस्ट लेते हैं. सो इट इज़ द बेसिक वेरी वीक पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज पीपल आर द पावरफुल की फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि लोग ही सरकार को इलेक्ट कर रहे हैं. लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट द लीडर्स, है ना, कि कौन सही है कौन गलत है. बस वो पार्टी को देखकर वोट दे रहे हैं. दे मस्ट सी द रिप्रेजेंटेटिव, कि कौन इंसान है जिसको हम वोट दे रहे हैं, ना कि किसी पार्टी. ओके, नाउ सो ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी है क्या, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था. द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज वन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर्स. लेजिस्लेचर, इट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वेयर पीपल मेक्स द लॉ. ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेटिव विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड गवर्न देम. सो बेसिकली डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उन्हें कहाँ पहुँचाते हैं, लेजिस्लेचर में. लेजिस्लेचर में से ही गवर्नमेंट बनती है. जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 तरह के फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड प्लस दैट प्रेजिडेंट, इट फॉर्म द पार्लियामेंट. क्लियर, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तीनों को मिला के क्या बनता है, पार्लियामेंट. और वही, उन्हीं में से सरकार बनती है और वही इन पे हमें गवर्न करती है. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी, ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप. द फर्स्ट पॉइंट इज पावर लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल. ओके, वोट दे रहे हैं तो पावर, सीधी बात है, किसके हाथ में, लोगों के हाथ में. पावर लाइज इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल, जो वहां पे डिक्टेटर बन चुका है उसके हाथ में सब कुछ है, लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है. पीपल हैव राइट टू चूज गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन. सीधी बात है, इलेक्शन के द्वारा वो सरकार चुन सकते हैं, यहाँ पे नहीं है, सीधी बात है. ओके, पीपल इंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. मतलब जो लोगों के दिल में है सरकार के खिलाफ, अगर वो अच्छा काम करिए तो अच्छे उनकी तारीफ करेंगे, अगर खराब करिए तो सीधी बात है कंप्लेन करेंगे या फिर कुछ भी भला बुरा कहेंगे. तो उन अपना ओपिनियन देने का भी एक अधिकार मिलता है डेमोक्रेसी में लोगों को. यहाँ पे पीपल डो नॉट हैव एनी राइट्स, सीधी बात है, कोई अधिकार नहीं आपको. All citizen is equal in the eye of law. कानून के नज़र में सब क्या है, बराबर है. कहाँ पे, डेमोक्रेसी में. यहाँ पे there is no equality, मतलब कोई बराबरी नहीं है भैया. जो चमचे हैं आपके उनको आप आगे करेंगे, उनका आप वेलफेयर देखेंगे, दूसरों जो माइनॉरिटी है उनको आप नहीं देखेंगे. पॉलिसी आर मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. कोई भी सरकार की पॉलिसी किसके लिए बनाई जाएगी, लोगों के लिए बनाई जाएगी. लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल. जो इंडिविजुअल वहाँ पे डिक्टेटर है, राज कर रहा है, उसी के लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी. सो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है, राइट 4 डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप. ओके, आपको 4 डिफरेंस लिखने हैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में. सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर टुडे. थैंक यू.